मेरे देश के प्यारे नौजवानों, आज हम खेलों की ओर चलते हैं। हम सब ने बचपन में बहुत सारी खेलें खेली हैं, जैसे गुल्ली डंडा खेलना, हाथ के कंचे खेलना, कबड्डी खेलना, खो खो खेलना, फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना, हमने बहुत सारी खेलें बचपन में तो खेली, लेकिन जैसे जैसे हम जवान होते गए, धन कमाने के चक्कर में हमने उन सब खेलों को भुला दिया। हमारा स्कूली जीवन, कॉलेज का जीवन भी कुछ खेलों से जुड़ा रहा, लेकिन जैसे ही हम किसी रोजगार में पड़े या किसी धन कमाने के चक्कर में पड़े, हमारी जो खेलने की शक्ति थी, किसी भी खेल को खेलने की शक्ति थी, वो हमसे छूट गई, जिससे हम आज रोगी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्यारे नौजवानों, कहते हैं बचपन खेल जवानी साथ साथ चलते हैं, बुढ़ापा तो केवल मृत्यु का इंतजार करता है। हम बूढ़े क्यों नजर आए? हम अपने आप को सदा जवान रखना चाहते हैं, लेकिन कोई प्रयास नहीं करते। यदि हमारे अंदर या आपके अंदर किसी भी खेल को खेलने की इच्छा है, तो बुढ़ापा बहुत दूर चला जाता है। मेरा मानना है कि नौजवानों के सभी गांवों के अंदर, सभी शहरों के अंदर ऐसे क्लब, ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए, जिनमें अलग अलग खेलों को खेलने वाले नौजवानों को भर्ती किया जाए और वह नौजवान खेलों का प्रदर्शन करें, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाए, उन नौजवानों को प्रोत्साहित किया जाए कि जो अच्छी खेले हैं वो शरीर को तो निरोग रखते ही हैं, साथ में मन को भी निरोग रखती हैं। उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि उन्हें खेलों से रोजगार भी मिल सकता है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि खेलों से आत्म विकास भी हो सकता है। यदि सभी प्रकार की खेलें, चाहे वो हॉकी खेल हो, चाहे वो बैडमिंटन की खेल हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे क्रिकेट का मैच हो, किसी भी खेल के अंदर हमें बहुत सी प्रेरणाएं मिलती हैं, जैसे मिलने जुलने का, आपसी मित्रता का भाव, हमें संगठन की भावना मिलती है, बहुत सारे मित्र हमारे खेलों के जरिए बनते हैं, हमें अपनी योग्यता का भी अनुभव होता है कि हम किस खेल को खेलने में माहिर हैं। जैसे कोई नौजवान क्रिकेट मैच को खेलने का बहुत शौकीन है, तो उसके अंदर क्रिकेट मैच को अपनाने का, क्रिकेट खेल को सीखने का शौक पैदा हो जाता है, तो वह क्रिकेट मैच को ही अपना लेता है। लेकिन केवल एक ही खेल को अपनाना ये बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। नौजवानों को सभी तरह के खेल खेलने
खेलने चाहिए, क्योंकि अलग अलग खेलों में हमें अलग अलग रहस्य प्राप्त होते हैं। जैसे कबड्डी का मैच, कबड्डी के अंदर हमें प्राणायाम की शिक्षा मिलती है, हमें योग का अनुभव होता है कि कैसे सांस रोककर हमें किसी दूसरे को पकड़ना है, किसी दूसरे को आउट करना है। इसी प्रकार खो खो में हमें अलग अलग विद्यार्थियों को अलग अलग स्थानों के अंदर आउट करना होता है और बहुत तेजी से। उसमें हमें रफ्तार का भी अनुभव होता है कि हम हमारे अंदर कितनी रफ्तार है। ऐसे ही तैराकी, तैराकी का खेल ऐसा खेल है जिसके अंदर हमें सांस रोकने की कला का भी अनुभव होता है कि हम सांस रोकते हुए कितना पानी के अंदर रह सकते हैं और सांस रोकते हुए कितना आगे बढ़ सकते हैं और अपनी मंजिल की तरफ हम कितना तेजी से पहुंच सकते हैं। हमें अपनी योग्यता का बहुत सारा अनुभव उसमें होता है। इस प्रकार सभी खेलों के अंदर नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा देकर उत्साहपूर्वक काम पर लगाया जाए, उनसे हर तरह की खेलें खिलाई जाएं, ताकि नौजवानों का आत्मिक विकास हो सके, नौजवानों का शरीर निरोग रह सके और इंटरनेशनल खेलों के अंदर भी भाग लेने का उनको जरिया बनाया जाए। हम देखते हैं कि कुछ भ्रष्टाचार सभी विभागों के अंदर फैला हुआ है, खेलों में भी काफी भ्रष्टाचार है, लेकिन भ्रष्टाचार योग्यता को नहीं पकड़ सकता। यदि हम योग्य हैं तो भ्रष्टाचार के युग में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ हमारे अंदर आगे बढ़ने की प्रेरणा होनी चाहिए, हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे बहते हुए पानी में कोई भी पत्थर, कोई भी रोड़ा उसके आगे उसे बहने से नहीं रोक सकता, ऐसे ही हमें बहते हुए पानी की तरह खेलों में भाग लेना चाहिए। धन्यवाद।